जो मेरे साथ सिचुएशन हुई है ना वो भी बहुत ही एक्सट्रीम है। आज से 3 साल पहले मैं भी राहुल से बहुत प्यार करती थी। अच्छा। 10 साल लंबा रिलेशनशिप था हमारा। कॉलेज में भी उसके दोस्त मुझे देखकर भाभी भाभी उसको चिढ़ाया करते थे। तो फिर ये मिठा मिठा चल के फिर बीच में कड़वाहट किधर से आ गया? फिर भाव हम बड़े हो गए, शादी की बातें घर पे होने लगी और फिर हम दोनों ने अपने अपने घर पे बात भी की। फिर मेरे घर वालों ने तो खुशी खुशी हाँ बोल दिया, लेकिन उसके घर पे प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसने बहुत मनाया, बहुत कोशिश की, फिर भी लोग नहीं माने। थक हार के उसने आखिरी कोशिश की और फिर फाइनली घर वालों ने उसके भी हाँ बोल दिए, मान गए हमारी शादी के लिए। जिसका इतने सालों से इंतजार किया वो शादी के कुछ महीने पहले बोल रहा है, आई डोंट फील फॉर यू एनी मोर। तो उस खजूर ने कुछ बोला या ऐसे मुंह बंद करके बैठ गया? भाव, उसने बोला ना, आई डोंट फील फॉर यू एनी मोर। और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। 2 साल बाद फाइनली मैंने मूव ऑन किया। तो अच्छी बात है ना बेटा। और मैं लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी। फिर जब मैं रेडी हुई तो मुझे पेरेंट्स ने कहा कि तुझे अरेंज मैरिज करनी चाहिए। फिर मुझे एक दूसरे लड़के से मिलवा भी दिया और उसका नाम था केशव। शादी के 1-2 साल बाद मुझे केशव से प्यार हो भी गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर तभी एक दिन मेरे सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया। वो मैसेज था, आई लव यू। किसने किया? भाव, जैसे ही उसका मैसेज आया ना, मैं 10 साल पहले पीछे चली गई। जैसे मैं उसके साथ रहती थी। हमारी फैमिली में हम लोग 4 लोग रहते हैं, केशव, मैं, केशव के भैया और भाभी। जब केशव और केशव के भैया काम पे जाया करते थे तो राहुल मुझसे घर पे मिलने आया करता था। भाव, एक दिन राहुल मुझसे मिलने आया था और मैं कुछ सामान लेने बाहर गई थी। और भाव, जब मैं सामान लेकर घर आई तो मैंने देखा राहुल और भाभी की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। जैसे वो मेरे साथ रहता था ठीक वैसे वो भाभी के साथ भी रहने लगा। वो दोनों हम बिस्तर भी होने लगे हैं। तो अभी जाके पीछे बैठ, मैं तेरे भाभी से बात करेगा। भाव, मैं मेरे और राहुल के रिलेशनशिप की मैच्योरिटी की बात कर रही हूँ। अब आप ही बताओ, शिखा और राहुल के रिलेशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शिखा को क्या प्रॉब्लम है हमारे रिलेशन से? वो शादी के साथ वचन याद है क्या? ऐड की तरह स्किप कर दिया तूने। भाव, अब क्या बताऊं? अगर मुझे घर से प्यार मिल रहा होता तो क्या मैं बाहर अफेयर चलाती? असल में मेरे हस्बैंड ना काम में इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास ना मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। राहुल शिखा का एक्स बॉयफ्रेंड था। आई नो कि वो शिखा के पास गया था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो शिखा से प्यार करता है। बट नाउ ही इज वेरी क्लियर, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। भाऊ, जिंदगी मोहताज नहीं मंजिलों की, वक्त हर मंजिल दिखा देता है। और कोई नहीं मरता किसी से जुदा होकर, वक्त हर किसी को जीना सिखा देता है।